रैली इज फॉर दी मेंटली इनस्टेबल जो पेशेंट है उनको सपोर्ट करने के लिए था। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अच्छे ही रहना। तो हम निकल चुके हैं, सुबह के अभी 6:15 हो रहे हैं। तो हम कहाँ पे जा रहे हैं हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। अभी फिलहाल मुझे पहुँचना है थाने चेकना का, क्योंकि रोहन भाई वहाँ पे रुके आने वाले हैं हमारे लिए। अभी तक तो उनका फ़ोन आया नहीं है, इसका मतलब है वो अभी तक पहुँचे नहीं है। ये लोकेशन मेरे घर से नज़दीक है, मैं थाने में रहता हूँ एंड थाने चेकना का इज लाइक 1 किलोमीटर अवे। तो अभी वहाँ पर मैं पहुँचता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। सो गाइस रोहन भाई आ चुके हैं और जहाँ पे हमको जाना है ये चेकना के से नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर जाना नहीं है। बस अभी यहाँ से हम 3 मिनट नाका पहुँचेंगे जो थाने में काफ़ी फेमस जगह है, और यहीं से हमको यू टर्न लेके जाना है। तो दिस इज 3 मिनट नाका जो आगे का सिग्नल दिख रहा है। अभी मैं यहाँ पे कट देख रहा हूँ लेफ्ट साइड में, कहीं पे रहेगा तो वहीं से यू टर्न मारेंगे, नहीं तो फिर हमको आगे जाके मारना पड़ेगा। ओके सर, यहाँ से हम जा रहे हैं थाने मेंटल हॉस्पिटल। गाइस मेरी अभी बात हुई संकेत इज द गाय हु इज कोऑर्डिनेटिंग दिस, और यहाँ पे दादा फोन के एमपी थिएटर है। आपने मेरा पुराना ब्लॉग अगर देखा रहेगा जो 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का साइकिल मैराथन का, तो यहीं से हमने शुरू की थी। दिस इज राइट साइड में, दिस इज दादा कुंड के एमपी थिएटर। हम यहीं पर रुकेंगे और यहीं पर वो आने वाले हैं। इनफैक्ट वी आर द फर्स्ट वन टू कम, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो दैट इज रोहन भाई इन हिज फुल ग्लोरी। आप देख सकते हो गाड़ी पूरी तरह से तैयार है कहीं पर भी जाने के लिए। तो गाइस जैसे मैंने कहा था कि हम एक इवेंट पे जा रहे हैं, तो इट्स अ साइकिलिंग इवेंट, साइकिलिंग मैराथन है। आप देख सकते हो पीछे काफ़ी साइकिलिस्ट जमा हो रहा है। तो यहाँ से अभी हम निकलेंगे, ये 23 किलोमीटर्स की साइकिलिंग है, मतलब 3 कैटेगरीज, एक 23, एक 15 है और एक 5 है। तो हम मार्शल्स इनको कंट्रोल करेंगे मतलब असिस्ट करेंगे। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे, एक बार ये साइकिलिस्ट सब आ जाएंगे। तो 6:30 को ये स्टार्ट होने वाली थी, ऑलमोस्ट 6:15 हो चुके हैं। सो गाइस अभी हम निकल रहे हैं, जो 23 किलोमीटर्स है, मैंने पहले 25 बोला था बट इट इज 23 किलोमीटर्स का साइकिल मैराथन। तो वो 23 किलोमीटर्स वाली अभी निकल रहे हैं, सब बाइक एज इन सब साइकिलिस्ट लाइन अप हो गए हैं। और चलो देखते हैं, रास्ते में मिलते हैं, मैं बताते रहूँगा आपको बीच बीच में। वैसे थाने के अंदर ही है ये, कहीं बाहर नहीं जाना है। सुबह सी अभी रैली अभी यहाँ से स्टार्ट होने वाली है, जैसे मैंने पहले कहा था 23 किलोमीटर्स की रैली है। तो आपने बताना ये भूल गया कि दिस रैली इज़ टू सपोर्ट द मेंटली चैलेंज पीपल, और इसी वजह से ये ऑर्गेनाइज कर दी है। सुबह से अभी हम स्टार्ट हो रहे हैं। अब देख सकते हो आपने भाई ने स्पीकर लगाए हैं, 3 सिर्फ 3 आए हैं, तो कोई नहीं, 3 लोगों में हम लोग संभाल लेंगे। वैसे सब प्रोफेशनल साइकिलिस्ट है तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, काफ़ी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करेंगे। सो द रैली स्टार्ट्स, 23 किलोमीटर साइकिल रैली टू हेल्प और सपोर्ट द मेंटली चैलेंज पीपल द कॉज। कुछ दिनों पहले काफ़ी ठंड थी, तो मुंबई में ठंड का मतलब है 14-15 डिग्रीज। मैं जानता हूँ अगर आप नॉर्थ से हैं
और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बोलोगे 14-15 डिग्री से कुछ भी नहीं होता है, बट दिस इज लाइक टू मच फॉर अस, और इसी में मजा ले लेते हैं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं कैडबरी सिग्नल, यहाँ पे पहले कैडबरी कंपनी हुआ कर दी थी, ये लेफ्ट ये जो सामने दिख रहा, और यहाँ पे सब रुके हैं ताकि सब सब साइकिलिस्ट जो भी हैं सब एक जगह पे जमा हो जाए। तो फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे आगे, सब आने के बाद सब अपने अपने पेस से चल रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि ये रेस नहीं है, दिस इज जस्ट रैली टू सपोर्ट, तो अपने अपने पेस से सब चला रहे हैं। सब प्रोफेशनल्स नहीं है, कोई प्रोफेशनल्स है, कोई नए सीख रहे हैं, किसी ने तो साइकिल नहीं ली है, ऐसे ही लोग हैं। तो एक बार सब यहाँ पे जमा हो जाएंगे, फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे। सो गाइस अभी हम कैडबरी सिग्नल से अभी हम उपवन की तरफ जा रहे हैं। दिस इज पोखरण नंबर 1 रोड, इस रोड को पोखरण नंबर 1 बोलते हैं। तो यहाँ से उपवन लेक जाएंगे हम लोग। सो गाइस हम आ चुके हैं उपवन लेक, आप देख सकते हो राइट साइड में। मेरी वीडियोस में काफ़ी बार आपने देखा रहेगा क्योंकि काफ़ी सारे रैलीज मैराथन वैराथन जो होता है तो यहीं से गुजरते हैं। यहाँ पे भी अभी ओपन फेस्ट है तो इसी वजह से ये जो राइट वाला लेन है ये बंद कर दिया है, तो ट्रैफिक पूरा एक ही लेन से जा रहा है। तो एक लेन चालू होने की वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है, जबकि रोड खाली है लेकिन फिर भी दोनों तरफ की ट्रैफिक एक तरफ से जाती है तो दिक्कत आ जाती है। सो ये जो साइक्लिस्ट है जो 23 किलोमीटर के पार्टिसिपेंट है अभी यहाँ पे ग्रुप फोटो निकाल रहे हैं जस्ट फॉर अ मेमोरी। आप यहाँ पे देखोगे तो हर एज ग्रुप के मतलब छोटे से छोटे यंग से यंग और एज लोग भी हैं, दैट इज अ स्पिरिट। तो अब देखोगे पेड़ पे ये लाइटिंग्स वगैरह सब जो लगी है, मैंने कहा था कि जो यहाँ पे ओपन फीस्ट फेस्टिवल होने वाला है ये उसी की तैयारी है, काफ़ी रौनक होती है। यहाँ पे निकल रहे हैं वहाँ से, यहाँ पे थोड़ी ठंड है, मौसम काफ़ी अच्छा है। और एक बात, मैंने मेरा माइक सेटअप फिर से चेंज किया क्योंकि पुराने वीडियोस में मैंने देखा दिक्कत आ रही थी, तो अभी देखते हैं इसका आवाज़ कैसे आता है। सो गाइस अभी हमने ये ओपन लेक से आगे आने के बाद ये लेफ्ट लिया है, और आप देखोगे ये रोड है ना, यहाँ पे स्पेशली साइकिलिंग ट्रैक वगैरह बनाया गया है, काफ़ी सारे जॉगर्स वगैरह आप दिखेंगे, साइकिलिस्ट दिखेंगे, जो मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं वो दिखेंगे आपको। तो ये वो साइकिलिंग ट्रैक है जिसके बारे में मैं बोल रहा था आपको, लेफ्ट साइड में। तो गाइस अभी हम वापसी के रास्ते पे, तो अभी हम लोग रिटर्न जा रहे हैं। अभी तो मतलब चढ़ाई नहीं है, सब स्लोप है, तो आते समय काफी दिक्कत हो रही थी साइकिलिस्ट को क्योंकि चढ़ाई थी। थाना पूरा चेंज हो गया, मतलब मैं बताऊं यहाँ पे एक राइट साइड में ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक रैप्टेकोस ब्रेड करके एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी छोटी सी, इस तरफ एक दो बिल्डिंग थे पुराने, दैट्स इट, बाकी कुछ भी नहीं था, पूरा खाली खाली था, पूरा खुला खुला था। आप देखोगे तो चारों तरफ ये टावर्स बने, डेवलपमेंट यू कैन से, बट जो जो फील होता है ना वो एक पुराना वो नहीं रहा अभी। सो गाइस सूरज देवता भी निकल चुके हैं हमारा स्वागत होने के लिए, अच्छा लग रहा है। अभी ठंड थी यहाँ पे, मतलब ऊपर ये हिली एरिया होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी ठंड थी, तो अभी धूप निकली है तो अच्छा लग रहा है। बस यही 2-3 महीने होते हैं मुंबई में
जहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं ठंड को, उसके बाद तो फिर बस वही ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, पसीना पसीना पसीना। सो गाइस अभी हम रिटर्न आ चुके हैं, यहाँ से ये रैली शुरू हुई थी दादा को उनके एमपी थिएटर, हम लोग वहीं पे वापस रिटर्न आ चुके हैं। तो 23 किलोमीटर्स की ये जो सबसे लंबी वाली जो रैली थी वो ख़त्म हो रही है। सारे साइक्लिस्ट खुश हैं कि भाई 23 तो वैसे ज़्यादा नहीं है लेकिन इतने कम भी नहीं है कि हर कोई कर सके। तो बहुत सारे जो लोग हैं जो नए हैं उन्होंने भी ये कंप्लीट की है तो काफ़ी खुश लग रहे हैं। यहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं, ये आत्मा बोलो ले संकेत जी। तो दिस इज द मेंटल हॉस्पिटल, आप देखोगे 1901 में ये बना था, 100 साल से ज्यादा हो गए। This is the one of the first known mental hospital in Mumbai region. मतलब 122 साल हो गए इसको। आप देखोगे structures काफी पुराने लग रहे हैं, पुरानी टाइप के जो stone के structures होते हैं वैसे हैं। तो गाइस अभी आपने जो देखा ये जो जैसे मैंने कहा ये दिस रैली इज़ फॉर दी मेंटली इनस्टेबल जो पेशेंट है उनको सपोर्ट करने के लिए था। तो अभी जो ये जो भाग रहे थे या साइकिलिंग कर रहे थे वो उन्हीं पेशेंट्स में से हैं, तो अच्छा लगा इनको देख के, इनका स्पिरिट देख के। तो ऑलमोस्ट प्रोग्राम हो चुका है, अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखते रहिए। चलो फिर, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।